क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम सुप्रीमेसी, क्वांटम टेलीपोर्टेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, बस क्वांटम ही क्वांटम हर तरफ फैला हुआ है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसके बारे में जितनी सही इन्फॉर्मेशन हमें पता है उससे ज़्यादा यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन बहुत सारी बच्चों को, बहुत सारे लोगों को बताई जा रही है। बहुत सारी जगह सुन रहे हैं, जैसे मेरे से काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन आ गया तो क्या हम यहाँ से गायब और कहीं ब्लैक होल में प्रकट, और ब्लैक होल से गायब यहाँ प्रकट, ऐसे हो सकते हैं क्या? क्वांटम टेलीपोर्टेशन हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन का हो सकता है, वो इंसानों का, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का नहीं हो सकता। अगर आपको अपना टेलीपोर्टेशन करवाना है तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि कैब बुक करिए, कैब में बैठिए और जहाँ जाना है वहाँ पे आप अपना ट्रांसपोर्ट करवा लीजिए और बोल दीजिए हो गया टेलीपोर्टेशन। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं खासकर बात करने वाला हूँ क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं, यस दे आर वेरी पावरफुल, उनकी बहुत तेज स्पीड है, उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, प्रोसेसिंग पावर है, वो सुपर्ब है। लेकिन कितनी, हम कहाँ हैं आज की तारीख में, वो जो फ्यूचर है या वो जो प्रेजेंट है वो कैसा है? क्या क्वांटम कंप्यूटर्स आज ऐसे अवेलेबल हैं कि मैं जाऊँ जाके क्वांटम कंप्यूटर लेके आ जाऊँ और उसके ऊपर नेटफ्लिक्स चलाऊँ और आराम से मूवी देख लूँ, या मैं मेरे क्वांटम कंप्यूटर को लेके आऊँ, खरीद के लाऊँ, कमरे में लगाऊँ, मेरे लैपटॉप को साइड में करूँ और उस पर गेम खेलना चालू कर सकता हूँ? सो दोस्तों कुछ आंसर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो आपका दिल तोड़ देंगे, लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज इन द फ्यूचर। गूगल ने क्वांटम सुप्रीमेसी की बात करी, गूगल ने कहा कि हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहां पर हमने एक ऐसी कैलकुलेशन कर दी है जो कि इज इम्पॉसिबल फॉर एनी स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसर अवेलेबल इन क्लासिकल कंप्यूटर्स। बात करी जा रही है कंपेरिजन बिटवीन साइकमोर जो कि क्वांटम प्रोसेसर बनाया गूगल ने, और दूसरा है समिट जो कि एक सुपर कंप्यूटर स्टेट ऑफ द आर्ट है जिसको बनाया IBM ने। तो एक पेपर पब्लिश करते हैं गूगल वाले और उन्हें बोला कि हमने एक ऐसी कैलकुलेशन करी है जो कि हमने कुछ ही घंटों में कर डाली, जिसको करने के लिए हो सकता है द स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर IBM का जो है उसको 10,000 साल लग जाते, यानी हमने क्वांटम सुप्रीमेसी को अचीव कर लिया है। यानी हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां पर अब क्वांटम कंप्यूटर्स को यूज करके हम हाईफाई कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन अब मैं एक सीधा सा सवाल पूछता हूं, यानी सवाल क्या, ये क्वेरी है, एक जनरल डाउट है, तो क्या अब मैं क्वांटम कंप्यूटर खरीद के मेरे घर पे ला सकता हूँ? तो दोस्तों इसका आंसर बड़ा ही दुखद है, इट विल बी अ बिग नो। तो क्या मैं भविष्य में ला सकता हूँ? तो निकट भविष्य में भी इट इज अ बिग नो। अच्छा, तो क्वांटम कंप्यूटर जो है जिसके ऊपर ये एल्गोरिथम अभी रन करा गया था, जो कि एक सैंपल सर्किट वाला प्रोग्राम चलाया गया था, ये जो प्रोग्राम है कितने काम का है? कुछ काम का नहीं है, इट इज काइंड ऑफ अ यूजलेस कोड जो रन किया गया था, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिचर्ड फेनमैन साहब ने एक लेक्चर में बोला था कि अगर असलियत में आपको भयंकर वाली कैलकुलेशन करनी है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, डीप स्पेस हो, एस्ट्रोनॉमी हो, डार्क मैटर हो, डार्क एनर्जी हो, या बायोलॉजिकल सिस्टम हो, किसी की भी सिमुलेशन करनी हो और आपको टू द पॉइंट आंसर चाहिए, तो आपको कुछ ऐसा सेटअप चाहिएगा जो कि क्लासिकल कंप्यूटर्स के बस में नहीं है। अगर मैं इसको पर्सपेक्टिव में रखना चाहूं तो भाई क्वांटम कंप्यूटर जो है उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो तकरीबन 100 million times फास्टर देन द क्लासिकल कंप्यूटर, दैट टू द स्टेट ऑफ द आर्ट वन। अगर इसको और पर्सपेक्टिव में रखना चाहूं मैं, तो अगर मेरे पास 70 क्यूबिट का प्रोसेसर है तो उसका बराबरी अगर मुझे करना है तो मुझे एक इतना बड़ा क्लासिकल कंप्यूटर चाहिएगा जिसका प्रोसेसर यूनिट इतना बड़ा होगा कि पूरा शहर कवर करना पड़ जाएगा। अब ये जो सवारी बात मैं कर रहा हूं तो फिर से सवाल ये आ जाता है, तो क्या मैं खरीद के ला सकता हूँ क्या क्वांटम कंप्यूटर? सो दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर आप खरीद के नहीं ला सकते हैं राइट नाउ। वहां पर प्रॉब्लम ये है कि क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम इन्वॉल्व है, और क्वांटम अगर इन्वॉल्व है तो अनसर्टेनिटीज हैं, अगर क्वांटम इन्वॉल्व है तो इंटरेक्शंस इन्वॉल्व हैं, और अगर इंटरेक्शंस इन्वॉल्व हैं तो एरर आ सकता है। तो प्रॉब्लम जो है क्वांटम कंप्यूटर के साथ वो कुछ ऐसी है कि जब मेरे क्लासिकल कंप्यूटर की मैं बात करता हूं तो उसमें आती है 10^17 प्रोसेस हो जाए तो एक एरर, यानी 1/10^17 ये रेशियो है। लेकिन जो मेरे क्वांटम कंप्यूटर्स हैं जो अभी इस वक्त जो लैब्स में सिमुलेशन कर रहे हैं, चल रहे हैं, जिन पे रिसर्च चल रही है, उनको जब ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वहां पर एरर रेट इज 0.5%, यानी हर 200 ऑपरेशन में एक गलत। तो 10^17 ऑपरेशन में एक गलत और 200 में एक गलत। अब इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर मैं सरफेस कोड रन करता हूं, सरफेस कोड यानी अगर मैं एक ऐसा सेटअप बनाता हूं जो क्वांटम कंप्यूटर के अंदर जो एरर आ रहे हैं उनको सही कर दे, तो मुझे अगर एक क्वांटम कंप्यूटर मुझे मिला हुआ है जिसके अंदर मान लो 10 क्वांटम बिट्स हैं, 10 क्यूबिट्स हैं,
तो मुझे 10 क्यूबिट ही और चाहिएंगी, रहते उससे ज्यादा चाहिएंगी अगर मेरे को एरर को करेक्ट करना है। यानी जितना मुझे एरर मिल रहा है उतने एरर को करेक्ट करने के लिए मुझे उतनी क्यूबिट और चाहिए, और अगर उसमें भी एरर आ गया तो। अब बात ये आती है कि क्वांटम कंप्यूटर बनता कैसे, ये है क्या चीज भाई, मुझे बिट्स का पता है जीरो या वन, ये क्यूबिट क्या चीज है। दोस्तों क्यूबिट है एक क्वांटम स्टेट में क्वांटम एंटेंगल्ड सिचुएशन। मुझे पता है क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है क्योंकि मैंने रिसेंटली ये वीडियो जब रिलीज किया तुम सब बच्चों ने देख लिया। अब क्वांटम एंटेंगलमेंट ये कहता है कि जब तक मैं किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को पढ़ने लूं तब तक मैं उसकी स्टेट नहीं बता सकता, और जैसे ही मैं उसकी स्टेट कंफर्म करूंगा उसके साथ ही उसके साथ जितने भी एंटेंगल्ड पार्टिकल हैं सबकी कोई ना कोई एक स्टेट कंफर्म हो जाएगी। क्यूबिट भी कुछ ऐसी सी है, क्यूबिट के अंदर जब तक मैं किसी पर्टिकुलर क्यूबिट को ऑब्जर्व नहीं कर रहा तब तक एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूबिट अगर मैं लेता हूं जो क्वांटम एंटेंगल्ड है, इट कैन बी 00, 01, 10, 11। यानी मेरे पास दो अगर क्यूबिट है तो उनके पास पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। इसको भी अगर मैं पर्सपेक्टिव में रखना चाहूं दोस्तों, तो मान लो मेरे को 0 से 15 तक के नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, तो जो स्टैंडर्ड तरीका है आज के जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर 0 से 15 का नंबर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो आई विल नीड 4 bits। 4 bit में यूज करूंगा तो मैं उस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब मुझे उस नंबर को स्टोर करना है अगर, आई विल नीड 64 bits, क्योंकि हर एक बिट के लिए, हर एक नंबर के लिए 4 bit, और मेरे पास टोटल 16 नंबर है। अगर यही मैं बात करता हूं क्यूबिट्स की, और मेरे पास अगर 32 क्यूबिट्स हैं तो मैं 2 to the power 32, दिस इज द नंबर, दैट इज द डेटा आई कैन स्टोर, एंड दैट इज रफली अराउंड 500 MB ऑफ डेटा। एक एल्गोरिथम की बात बहुत चलती है जब भी बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स की, और वो एल्गोरिथम उसका नाम है शोर्स एल्गोरिथम। शोर्स एल्गोरिथम जो है वो एक बहुत ही सुपर फास्ट सुपर क्विक एल्गोरिथम है जो कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने के लिए यूज होता है। लेकिन अभी हम जहां खड़े हैं, जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम अभी खड़े हैं, वहां पर अगर क्वांटम कंप्यूटर और क्लासिकल कंप्यूटर्स की बात करी जाए तो जो क्वांटम कंप्यूटर हैं जो कि शोर्स एल्गोरिथम को इफेक्टिवली लगा पा रहे हैं, क्योंकि वो एक टीडियस काम है, वो एक परफेक्शन का काम है, तो वहां पर मैं अभी तक सिर्फ 21 के फैक्टर निकाल पाया हूं, 21 के फैक्टर्स निकाल पाए हूं यूजिंग क्वांटम कंप्यूटर्स। वहीं जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, उनने 240 डिजिट के नंबर्स के फैक्टर्स निकालने की कोशिश चालू कर दी है, एंड दे आर सेइंग दैट दे विल बी एबल टू डू इट। इसको मैं थोड़ा सा ओवर पर्सपेक्टिव में रखना चाहूं तो मैं इसको यह कह सकता हूं कि जब मेरा क्वांटम कंप्यूटर इस लेवल पे आ जाएगा कि वहां पर सारी क्यूबिट्स अरेंज करी जा सके, उनको कोहरेंस में रखा जा सके, उनमें एरर को आने न दिया जाए, तब मैं कहूंगा कि हाँ भाई क्वांटम कंप्यूटर तैयार हो गया है। लेकिन क्या क्वांटम कंप्यूटर एक स्टैंड अलोन सिस्टम है? तो ये भी नहीं है दोस्तों। सिचुएशन जो होने वाली है भविष्य की वो ऐसी होगी कि क्वांटम कंप्यूटर क्लाउड्स पे होंगे, मतलब नॉट ऑन द क्लाउड्स, क्लाउड मतलब क्लाउड सर्वर टाइप जो क्लाउड होता है उस क्लाउड पे होंगे, आप अपनी लोकल मशीन यूज करेंगे, आप डेटा फीड करेंगे, दे विल डू द सुपर कैलकुलेशन एंड गिव इट बैक टू यू। अब अगर आप सोचते हैं कि यार क्वांटम कंप्यूटर तो बड़े फास्ट हैं तो क्या मेरा इंटरनेट तेज चलेगा, तो यहां पे ध्यान रखना द स्पीड विल बी डिटरमाइंड बाय द वीकेस्ट लिंक। तो जो प्रोटोकॉल्स हैं जब कोडिंग हम करते हैं, जो वेब पेज लोड होता है, जो इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स हैं उनको जो फॉलो करना है उसमें जो प्रोसेसिंग का टाइम लगता है इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। अब इसको मैं एक गेमर के हिसाब से देखता हूं, क्योंकि गेमिंग के लिए आई नीड पावरफुल प्रोसेसर्स। तो गेमर्स क्या करते हैं ना, उनके पास CPU होता है और GPU होता है। CPU नॉर्मल काम करता है, GPU जो है परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देता है। क्वांटम कंप्यूटर्स भी जब आएंगे तो वो भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, दे विल बी नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर्स एंड देन दे विल बी क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम प्रोसेसर्स, जो कि उन क्लासिकल कंप्यूटर्स के थ्रू जो कैलकुलेशन करनी है उसका कुछ लोड अपने पे ले लेंगे एंड कैलकुलेशंस को और ज़्यादा फास्ट कर देंगे। लेकिन कैसी कैलकुलेशंस? तो दोस्तों ऐसा कि अगर आप सोचें कि मैं वेब पेज खोल लूँ, ऑनलाइन क्लासेस देख लूँ, यूट्यूब पे वीडियो देख लूँ, ऐसे वीडियो देख लूँ और स्पीड बढ़ जाएगी, तो क्वांटम कंप्यूटर्स इसके लिए बिल्कुल काम नहीं आने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेस में टाइम लगेगा वो उतना ही लगेगा। अब इसको भी मैं तुमको समझा देता हूँ कैसे। तो जब मैं कोई नॉर्मल काम कर रहा हूँ जिसके अंदर प्रोसेसर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर मैं शोर एल्गोरिथम को, जो शोर एल्गोरिथम उसको कंपेयर करूं, तो क्वांटम कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो उसमें प्रोसेसिंग में शोर एल्गोरिथम जो ऑर्डर फॉलो करता है वो ऑर्डर है n to the power 10 का। और जब मैं बात करता हूं
एक नॉर्मल प्रोसेसर की उसके अंदर जो ऑर्डर है वो है 10 टू द पावर n. रिमेंबर दिस थिंग, n टू द पावर 10 एंड 10 टू द पावर n. अब मान लो मैं लेता हूं एक दो डिजिट का नंबर, तो जो दो डिजिट का नंबर है वो शोर्स एल्गोरिथम के हिसाब से क्वांटम प्रोसेसर के थ्रू उसको टाइम लगेगा 2 की पावर 10, यानी 1024 सेकेंड. और मेरा सिंपल जो कंप्यूटर है उसमें अगर मैं एल्गोरिथम रन करता हूं तो उसको टाइम लगेगा 10 की पावर 2, यानी 2 सेकेंड. तो कौन फास्ट हुआ, सेकेंड वाला? लेकिन अगर मुझे डार्क मैटर, कॉस्मोस, डीप स्पेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बैक्टीरियल ग्रोथ, केमिकल कॉम्बिनेशंस, ऐसे वो प्रोसेस करने हैं जहां पे देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स एंड देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस एंड पॉसिबिलिटीज, जहां पे प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए, तब ये जो नंबर है n, ये अगर बढ़ जाता है मान लो 20 तक, तो अब जो शोर्स एल्गोरिथम है वो बोलेगा 20 टू द पावर 10, और जो मेरा रेगुलर एल्गोरिथम रन करने वाला क्लासिकल कंप्यूटर है वो बोलेगा 10 टू द पावर 20. 10 टू द पावर 20 इज बिलियन टाइम्स बिगर देन 20 टू द पावर 10. और यहां पे डिफरेंस आएगा. माना दोनों ही नंबर प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, एक ट्रिलियंस में जा रहा है, दूसरा भी 3-4 लाख में जा रहा है, दोनों नंबर ही बहुत बड़े हैं. भाई एक प्रोसेस बोल रहा है कि मुझे 3,20,000 साल लग जाएंगे, एक प्रोसेस बोल रहा है मुझे ट्रिलियन साल लग जाएंगे. बात तो है कि दोनों प्रोसेसेस ही बहुत टाइम ले रहे हैं, लेकिन जो कंपैरिजन है अगर मैं उसको देखूं तो यस, क्वांटम कंप्यूटिंग की जो ताकत है वो सामने नजर आ जाती है. अब अगर मैं इसको भी पर्सपेक्टिव में रखना चाहूं कि कैसे, तो जो RSA एल्गोरिथम हम यूज करते हैं, जो हम एनक्रिप्शन के लिए एल्गोरिथम यूज करते हैं, उस एल्गोरिथम को अगर मुझे ब्रेक करना है, वो मेरे पास अगर कुछ मिलियन क्यूबिट्स का एक क्वांटम प्रोसेसर है, तो वो मिलियन क्यूबिट्स का क्वांटम प्रोसेसर सिर्फ 8 मिनट में 2048 फॉर्मेट वाला अगर कोई RSA एल्गोरिथम है तो वो उसको क्रैक कर देगा. लेकिन अगर मैं बात करता हूं मेरे स्टैंडर्ड नॉर्मल एक क्लासिकल कंप्यूटर की, तो वो इसको बिल्कुल भी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ रेगुलर प्रोसेसर टू इवन द स्टेट ऑफ द आर्ट वन टू ब्रेक दैट RSA कोड इन द एनक्रिप्शन. तो बहुत सारे प्लसेस हैं, बहुत सारे माइनसेस हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी हो ये है कि क्वांटम कंप्यूटर्स निकट भविष्य में हमें दुकानों पे, शोरूम पे या दिवाली सेल में नहीं मिलने वाले हैं. दे विल बी मोस्टली फाउंड इन लैब्स, रिसर्च लैब्स, एंड दे विल बी एक्चुअली हेल्पिंग जो हमारे रेगुलर स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स हैं उनको प्रोसेसिंग में. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना. दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.